आप तीनों में से मुझे बताएं कि डकी भाई क्यों इतना फेमस। और अगर बिलाल जट के चैनल पे लोगों ने व्यूज दिए और इस वीडियो को लाइक किया और इनके रेफरेंस से कोई आया तो उनको डिस्काउंट देंगे। इंटरव्यू लेते हुए इंटरव्यू देना पड़ गया। मैं तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी जी पूछें से ये पाकिस्तान का तकरीबन सारे कोने जो है ना घूम चुके, एक रह गए बस। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी रात के 2:39 हो गए हैं, तो अभी आज हम आए हैं टी कोजी पॉइंट है ठोकर न्याजे के नज़दीक। तो मेरे साथ हैं यासर भाई और सलमान भाई, इनका भी चैनल है, ये भी व्लॉगर हैं, इनका नाम है एस वाई व्लॉग्स। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनका भी चैनल आप विज़िट करें, वो इधर लाहौर में होते हैं। तो आज उन्होंने यहाँ पर एक पार्टी हमें देनी है, पार्टी किस चीज़ की, एक दोस्त की बर्थडे है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए करतारपुर जाना है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो करतारपुर की होगी। इससे पहले वीडियो आपने देखी होगी मेरी, वो वाघा बॉर्डर गए थे, वो भी बड़ी अच्छी वीडियो बनी थी। अभी मैं आपको यासर भाई से मिलवाता हूँ, उनके पास लेके जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। कैसे हो आप? ये जी यासर भाई हैं और सलमान भाई, तो इनका भी चैनल है जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एस वाई व्लॉग। ज़रूर ज़रूर जाके आपने सर्च करना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ पे जाना है और इनके व्लॉग्स चेक करने हैं। अगर अच्छे, मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब करें, अगर अच्छे लगे तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर वैसे भी कर दोगे अच्छे लग जाएंगे, अगर व्लॉग अच्छा ना लगा तो हम दोनों अच्छे लग जाएंगे, हम दोनों अच्छे ना लगे तो व्लॉग अच्छा लग जाएगा, ये हमारा कन्फर्म है। अच्छा, वैसे व्लॉग अच्छे बनाते हैं यार, आपने जाना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। वैसे मजाक कर रहा था, बाकी अभी यहाँ पे एक बर्थडे सेलिब्रेट करना है एक दोस्त का, तो ये दोस्त हैं यासर भाई के और सलमान भाई के, इंशाल्लाह हमारे भी दोस्त बन जाएंगे ना हमारे जी, इंशाल्लाह ये बन गए हैं। अच्छा, अभी मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये डॉक्टर रिजवान साहब हैं, ये मेरे बेसिकली शहर से ही हैं, कंगनपुर के पास मानकदे के गांव है, वहाँ से हैं। तो ये तकरीबन 10-15 साल से यहाँ पर लाहौर में डॉक्टर हैं, माशाल्लाह मतलब एक्सपीरियंस भी अच्छा है, और इनकी आज बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद यहाँ से फिर निकलते हैं। चले जी, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बाकी आपके भाई तो हैं ही है साथ। मैंने देख लिया, आए हाय हाय हाय, वो ये देख ते नाम नहीं लिखा ते आपा सारे दा नाम लिख के कंबाइन इकट्ठी कर दी डब्बे में, डब्बा डब्बे में केक। मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि ये एक साल और बड़ा हो गया ना, शादी के करीब हो गया, लेकिन इस चीज का दुख भी है, साल जल्दी मर जाएगा। राजा साहब की जो है ना, वो वैसे अब तो खैर एक ही बर्थडे होती है, कभी वक्त था जब ये जवान हुआ करते थे, खूबसूरत हुआ करते थे, माशाल्लाह वेल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती थी, तब इनके एक साल के अंदर तीन तीन बर्थडे करते होते थे।
एक तो ये केक है और एक ये केक है। मैंने तो पहले कहा इन दोनों में दोस्त आता है। अच्छा तो फ्रेंड्स अभी हम आपको पता है टीकोजी पे बैठे हुए हैं, तो ये वलीद भाई हैं और मैम शाजिया साहिबा। तो अभी हम यहाँ पे जो है ना इनका इनसे पूछते हैं कि टीकोजी का मतलब क्या है, क्योंकि ये मेरा फूड व्लॉग फर्स्ट है। इससे पहले मैं ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता हूँ आपको पता है, तो इतना एक्सपीरियंस इस चीज़ में नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैम हमें बताइएगा कि ये टीकोजी नाम रखने का और मतलब इसको सेटअप करने का क्या मतलब आपका रहेगा। टीकोजी का मतलब होता है टी, दो वर्ड है टी एंड कोजी। कोजी का मतलब होता है गर्म रखना, चाय को गर्म रखने के लिए जो चीज पुराने वक्तों में यूज की जाती थी उसको टीकोजी कहते हैं। और टीकोजी इसका नाम इसीलिए रखा गया कि हमने फोकस किया हुआ था यहाँ के स्टूडेंट एरिया को। स्टूडेंट जो है वो ज्यादातर इसीलिए बाहर निकलते हैं कि कहीं अच्छी जगह बैठे, पुरसकून जगह हो और वहाँ पे खाने पीने में हल्की फुल्के स्नैक्स ले लो और चाय पी। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी कौम ज्यादातर टी लवर है, तो वहाँ उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका नाम टी कोजी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की जो चाय है वो सिग्नेचर चाय है, जबरदस्त। अच्छा और रमजान आ रहा है आगे, और इसके अलावा यहाँ पे लाहौर शहर है, हम क्योंकि एक छोटे से शहर में रहते हैं तो वहाँ पे तो सुबह सुबह जो कोई भी खाने पीने की जो है सेटअप है वो तकरीबन सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या टाइमिंग है? और इसके अलावा आगे रमजान आ रहा है, तो रमजान में टाइमिंग क्या होगी और आपके जो इधर खाने हैं तो वो रमजान में क्या मिलेंगे, अभी क्या मिल रहे हैं? अभी जो हमारी टाइमिंग्स चल रही है ना वो हैं दिन 3 बजे से रात 2 बजे तक। असल में है भी रूफ टॉप, अब आगे वैसे भी गर्मी आ रही है तो गर्मियों में जो है हम इसकी जो इसको ओपन करते हैं वो 5-6 बजे तक जी। सर्दियों में हमारी जो इसकी ओपनिंग है वो 1-2 बजे हो जाती है। तो आगे जिस तरह रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी हमारी यही टाइमिंग्स होंगी कि इफ्तार से जो है ना आधा पौना घंटा एक घंटा पहले इसको ओपन करेंगे जी, फिर सहरी तक ये चलता रहेगा। सही, ज़बरदस्त। बाकी खानों में हमारे पास देसी फूड है सारा, बारबेक्यू है, कढ़ाई हांडियाँ वगैरह वो हमारी स्पेशल है। उसके अलावा फास्ट फूड में हमारे पास सैंडविचेज हैं, बर्गर्स हैं, शवारमा है। सो उसके अलावा हमारी चाय जो है वो सिग्नेचर है, क्योंकि हमारा नाम ही टीकोजी है। हाँ जी सही, तो चाय हमारी सिग्नेचर है। अच्छा मैम आप बताइएगा कि आपकी इस टीकोजी ब्रांच के अलावा कोई और किसी जगह पर ब्रांच हो या फ्यूचर में आपका कोई प्लान हो जो आपने मतलब वहाँ पर कोई इफ्तिताह करना हो? बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स आपने देखा कि वलीद साहब और मैम शाजिया साहिबा ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, और यहाँ से अभी हमने आगे निकलना है करतारपुर, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ खा पी तो लें यहाँ पे यार। यार तुम क्यूट हो। अच्छा तो अभी कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी हो गया, 4 बज गए हैं सुबह सहरी के, तो अभी हमने यहाँ से करतारपुर की तरफ निकलना है। और अगर बिलाल जट के चैनल पे लोगों ने व्यूज दिए और इस वीडियो को लाइक किया और इनके रेफरेंस कोई आया तो उनको डिस्काउंट देंगे। वाह जी वाह, आपने यहाँ पे आके बिलाल जट नाम बताना है फ्रॉम कंगनपुर, तो यहाँ पे आप आके डिस्काउंट ले सकेंगे। मैम वैसे कितने परसेंट डिस्काउंट देंगे? ये हार्ड टॉक है, मैं कीमतें बढ़ाऊंगी उसके बाद उसको बढ़ा के डिस्काउंट वाले निकलूंगी। ये तो वो दराज का टीके वाले बिजनेस हो जाएगा, एक चीज 5,000 की उसकी कीमत 10,000 लगा दो, 5,000 डिस्काउंट का। तो बहुत शुक्रिया। आप ये देखिए काम आती है, सेल लगी हुई है, कैसे डिस्काउंट? सीरियसली बिलाल जट और एस एंड वाई व्लॉग्स ने जो हमारे यहाँ पे आके बहुत अच्छा हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है, तो इनके व्यूज जो भी इनके व्यूज देख के आएंगे हमारे पास वो डिस्काउंट देंगे, इनका रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, आप रेफरेंस दे दें हमें
SNY Vlogs और बिलाल जट, तो इंशाल्लाह डिस्काउंट मिलेगा। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਵਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਵਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਲੋਤਾ ਰੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਕਰੀਮ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਜਵਾਰਮਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਘਰ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਲਨ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਵੀਵਰਸ, ਈ ਕੋਜ਼ੀ ਜਹਾਂ ਪੇ ਹਮਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਆ, ਰੇਟ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਅਭੀ ਔਰ ਸਵੇਰ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਹੈ। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं करतारपुर, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी है। तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज। कवर तो अभी इमरान में स्वातनी साइड कश्मीर को किया है, लेकिन वैसे ओवरऑल सारा बात इंटरव्यू लेते हुए इंटरव्यू देना पड़ गया। मैं तो ये रिकॉर्ड करता हूँ। जी जी पूछें से, ये पाकिस्तान का तकरीबन सारे कोने जो है ना घूम चुके, एक रह गए बस वो शायद वो वाला। वो ट्रेंड खत्म करने के लिए अपना ट्रेंड लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, कल को साडे बच्चे भी यूट्यूब खोल के देखन ना, तो क्या साडा जो कुछ चंगा काम करता रहे, चबला नहीं मारता रहे, मतलब मैं एटलीस्ट उसकी वीडियोस नहीं देखती। फैमिली पे तो या आपके साथ कोई दूसरा भी बैठा हो, आप उसकी वीडियोस नहीं देखते। मैंने बहुत छोटे बहुत सारे